2018 का एक क्लिप है मेरे पास, वो वाला क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा था ये प्लेस और अभी कैसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इस पार्क को। ये है पार्क में जाने का मेन रास्ता, शनि मंदिर से घोषपारा का जो रोड है, बिलासीपारा वार्ड नंबर 4, यहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को जहाँ पे दुर्गा पूजा वाला मंदिर है वहाँ से लेफ्ट साइड में टर्न लेना पड़ता है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक फोटो भी है और साथ ही में इसी रास्ते से जाना पड़ता है और यही है स्वामी विवेकानंद पार्क। मेन गेट का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और साथ ही में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टैचू भी है। उसके बाद साथ ही में इस पार्क में और भी बहुत कुछ है, तो पूरा पार्क आइए घूम के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरकेएस क्रिएटिविटी का और एक नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ बिलासीपारा के एक नया सा जगह में, जो कि एक न्यू स्पॉट है, जो टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है काफ़ी अच्छा। वहाँ पर मैं आया हूँ और ये जगह है बिलासीपारा के घोषपारा में। तो आप लोगों को मैं ये जगह दिखाऊँगा कैसा है ये जगह। इस पार्क, एक पार्क है, नया पार्क, पार्क का नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क। तो वही मैं घूम के आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। ज्योतिर्मय बोलो, कैसा लगता है ये पार्क तुम आके यहाँ पे? अच्छा लगता है। कहाँ से आए हो अभी तुम? अभी मैं ट्यूशन से आया हूँ। ट्यूशन से रोज आते हो यहाँ पे? हाँ। देख सकते हैं आप लोग, ट्यूशन से हर रोज यहाँ पे आते हैं इस पार्क की मजा लेने के लिए। तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, मजेदार है ना पार्क? ठीक है, कहाँ पे है ये बिलासीपारा पे? ये बिलासीपारा पे, घोषपारा पे, घोषपारा, बिलासीपारा। ठीक है, घोषपारा, ठीक ही है। ठीक है, आओ घूमते हैं और एक साथ। देख सकते हैं वॉल पूरा यहाँ पे कलर किया हुआ है, आर्ट है असम का, ट्रेडिशनल आर्ट। साथ ही में बहुत कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहू डांस का आर्ट जो इन लोगों ने किए है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे आके मेरे को। मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन ये अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, ओपनिंग होगा लेकिन 2 घंटे के लिए अभी ये ओपन है। दिन में 4 PM to 6 PM डेली ये ओपन रहता है अभी लोगों के लिए। तो और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते कितना सुंदर एक तालाब है, यहाँ पे देख सकते बहुत ही बड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चारों तरफ बाउंड्री वॉल है इस पार्क में और यहाँ पे 2 बोर्ड भी लाए हैं इन लोगों ने, यहाँ के कमिटी ने, और यहाँ पे बोर्ड भी जल्द ही यहाँ पे लाने वाले हैं। वो बताओ नंदन, बिल्कुल ब्यूटीफुल है एकदम, बिल्कुल ब्यूटीफुल। हाँ। आज तुम्हें मैं यहाँ पे लेके आया, तुम खुश हो? हाँ। बहुत कुछ है खेलने लायक, खेलने हाँ, के लिए हाँ, बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है, जिम पे जो जो चीज होती है ना वो भी है। ठीक है, जिम पे जो जो चीज होती है वो भी है यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद पार्क एक सुंदर सा पार्क बिलासीपारा में न्यूली कंस्ट्रक्टेड किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक प्लेस है विजिट करने के लिए। और साथ ही में मुझे तो आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और पेंटिंग वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे लोग जब यहाँ पे आएंगे मतलब देख के ही बहुत अच्छा लगेगा, एंटरटेन एक होगा। और साथ ही में यहाँ पे और भी एक बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पे, और कुछ होने वाला है शायद। और साथ ही में यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, अभी से ही ओपनिंग होने के बाद तो और भी शायद ज़्यादा होगा भीड़। और साथ ही में एक सुंदर सा स्पॉट बिलासीपारा में ये होने वाला है कुछ दिनों के अंदर ही, और मुझे तो आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए। आसमान पर बादल देख सकते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत अभी हो चुका है, एकदम खूबसूरत। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि ये जगह आज से 3 या फिर 4 साल पहले कैसा था वो भी मेरे पास क्लिप है। 2018 का एक क्लिप है मेरे पास, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्क नहीं था, ये पुकुर सॉरी ये क्या बोला तूने, तालाब सिर्फ था, ये जो लेक है ये सिर्फ था। तो वो वाला क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा था ये प्लेस और अभी कैसा हुआ है, वो आप लोग देखिए अभी। ইয়াতে এটা মানে পার্ক হওয়ার দেখি আছে আপনি ইয়াতে আপনাদের ইয়াতে এখন পার্ক হব হওয়ার কথা আছে লেসিপাড়াতে নেকুয়া পার্ক নাই। আর কিছুদিনের ভিতরতে এইটার কাম আরম্ভ হব আর হই গলে ব্লগস দেখুম।
हाँ, 5 साल पहले मैंने आप लोगों को 2018 में कहा था कि ये प्लेस जब कंप्लीट होगा मैंने आप लोगों को यहाँ का व्लॉग दिखाऊंगा। तो आज मैंने ये व्लॉग दिखाया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देख सकते हैं बिहू अटायर पे राइनो, राइनो वाला ये पेंटिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारा कल्चरल आर्ट यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, और साथ ही में लाचित बरफुकन जी का भी स्टैचू जो है गुवाहाटी पे, वो वाला स्टैचू भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये है मेन गेट जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया, यही था पार्क। अभी हम लोग निकल आए हैं पार्क से, ये मेन गेट है पार्क का, स्वामी विवेकानंद पार्क, जो कि बिलासीपुरा का वार्ड नंबर 4 पे है। और अभी 6 बज चुका है, 6 PM, इसीलिए पार्क क्लोज हो गया आज के अभी के लिए। अभी 4 to 6 PM तक खुला रहता है इवनिंग के टाइम पे, और आज के लिए ये बंद हो गया अभी, और कल फिर से ये ओपन होने वाला है। और अभी तक इसका ओपनिंग जो है ऑफिशियली ओपनिंग नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल फ्री ही है, 2 घंटा के लिए सिर्फ है। और ओपनिंग होने के बाद शायद टिकट सिस्टम होगा, और बोट वगैरह वो भी जो लेक में है, वो लेक में बोट वगैरह वो भी जो लाया जाएगा, अभी तक तो लाया हुआ है, पार्क में ही है। और यहाँ पे हाँ यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे ये भी है बोट। क्या पसंद है तुम्हें यहाँ पे, क्या पसंद है, कौन सा चीज पसंद है पार्क का, बोट, पूल, पूल, अच्छा अच्छा पूल इसको पसंद है। और साथ और भी एक मेंबर आए थे हमारे फैमिली के इस पार्क में घूमने के लिए, इन दोनों। तो चलते हैं, आज तक यहाँ तक ही था ब्लॉग, देखते हैं ओपनिंग होने के बाद फिर से आएंगे, अभी तो आना पड़ेगा ही, इतना सुंदर एक पार्क यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, इसीलिए कल भी आएंगे हम लोग। ठीक है, कल